वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो गाइस, पता नहीं व्लॉग का टाइमिंग मेरा सेट क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था इंडिया के हिसाब से 11 बजे व्लॉग डलेगा, लेकिन मैं टाइमिंग में इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यहाँ पे जब ऐसे 9-10 बज रहे होते हैं ना, तो मुझे लगता है अभी तो 11 बजने में टाइम है। यहाँ के हिसाब से 11 बजे डलता है और इंडिया के हिसाब से 12:30 बजे डल जाता है। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि टाइमली इसको पहले ही स्केड्यूल करूँ कि ये इंडिया के हिसाब से 11 बजे डले। और मैंने ना परसों जब मैंने यहाँ पे सोफे पे बैठ के एक व्लॉग किया था, जिसमें मैंने आई गूगल माई सेल्फ किया था। अभी काजल वॉशरूम में है तो उसकी आवाज़ आ रही है, और अभी उसको एक बार बंद करने देती हूँ फिर बताती हूँ। हाँ, हो गया। तो जैसे मैंने आई गूगल माई सेल्फ किया था और इधर बैठ कर किया था, तो जो कैमरा एंगल था ना, वो मेरा बहुत ऐसे ट्राईपॉड को मैंने नीचे कर दिया, तो नीचे करने से वो एंगल ऐसे हुआ। और यहाँ पे विंडो से जो एकदम लाइट पड़ी वो मेरे नोज पे पड़ी, तो यहाँ पे ना नोज पे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है। वो मुझे भी लगा जब मैं एडिट कर रही थी ना, तो इतने ज्यादा कमेंट आए कि आपकी नोज पे क्या हुआ है, आपकी नोज पे चोट लग गई है क्या, आपने सर्जरी करा ली है क्या। भाई पागल है क्या आप सब? सर्जरी करा के मैं डेली व्लॉग्स कर सकती हूँ? और सर्जरी कराऊंगी तो क्या एक दिन में ठीक हो जाएगी? देखिए ना नोज की सर्जरी कैसी होती है। मैंने सोचा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हैं लोग, कुछ भी लिख देते हैं। और एक लड़की ने तो मेरी नाक में दम कर दिया। फाइनली फिर उसको मैंने पहले तो जवाब दिया, क्योंकि जिस तरीके से उसने मुझसे बात की ना कमेंट में, वैसे तो आप लोग इतने ज्यादा अच्छे हो कि उसको जवाब आप लोगों ने बहुत अच्छा दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं ऐसे रोक नहीं पाई। कई बार होता है ना, आप ऐसे मूड में नहीं होते हो तो आप ऐसे पढ़ते हो कोई कॉमेंट और आप ऐसे ट्रिगर्ड हो जाते हो, तो बस मेरे साथ वही हुआ। उसने क्या लिखा कि पहले तो वो नोज से स्टार्ट हुई, फिर उसने पता नहीं इतनी तमीज से, मतलब जिसे कहते हैं कि तेरा ये तू ये तू ये, वो सीधा तू तड़ाक पे आई और अपने आप को एजुकेटेड बता रही थी। आई नो कि उसको है, वो व्लॉग्स तो देख रही है, क्योंकि उसको डेली है कुछ ना कुछ ऐसे लिखूं, कुछ ना कुछ इसको ऐसे क्रिटिसाइज करूं या कुछ इसके अंदर ऐसे खामियां इसको बताऊं, जैसे कि पता नहीं उसको इतना ज्ञान क्यों मेरे ही व्लॉग पे देना था। तो बहुत ही उसने बदतमीजी से बात की, तो मैंने उसको उसी लैंग्वेज में जवाब दिया कि यार तू अगर तेरे पास इतना ही ज्ञान है तो तू अपना खुद का चैनल बना, लोगों को इन्फ्लुएंस कर, उनको बता कि भाई मैं इतनी नॉलेजेबल गर्ल हूं। तो मैंने ऐसे करके उसको कॉमेंट लिख दिया। उसके बाद उसने जो कॉमेंट किया, ओए होए, मतलब वो लड़की थोड़ी मुझे साइको लगी। और उसने स्पेशली ये बोला कि मैं आईटी फील्ड से हूँ और मैं जॉब करती हूँ, तुम्हारी तरह व्लॉग्स नहीं करती, तुम्हारी तरह गवार नहीं हूँ। तो मैं आज इस बात का जवाब देना चाहूंगी कि हर कोई मेरी क्वालिफिकेशन पूछता है, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में अपनी क्वालिफिकेशन बताई है। मैं बहुत ना ऐसे भरी हुई थी अंदर से, वेलकम होती, मैंने ये चीज ऐसे बोल दी क्योंकि अभी बताने कुछ और वाली थी, लेकिन सोचा क्यों ना मैं इसका जवाब दे दूं। तो जैसे उसने बोला कि मैं भी गवार नहीं हूँ, मैं आईटी स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तो मैं और साहिल दोनों आईटी के स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास क्वालिफिकेशन शायद इससे इतनी ज्यादा है कि अगर मैं बताने पे आई तो आपको लगेगा कि आपने इतनी सारी चीजें की हैं। उसके बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैशन है, मुझे व्लॉग्स करना अच्छा लगता है, मुझे इंस्टाग्राम पे जैसे आप देखते हो कि मैं जैसी वीडियोस बनाती हूँ, वो मेरा ऐसे तरीका है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती जैसे और इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं उतने में इतनी हैप्पी रहती हूँ। और ये चीज बहुत ही अजीब लगेगी कि सोशल मीडिया से जितना मैं अर्न कर रही हूँ, शायद जो मेरी क्वालिफिकेशंस हैं उसके बिहाफ पे मैं जॉब करूँ तो भी मैं शायद उतना अर्न नहीं कर सकती। आपके 10 साल और मेरा 1 साल बराबर है, तो ये चीज मतलब बहुत ऐसा लगेगा आपको सुनने में। तो मैंने कोई ये अर्निंग के लिए सोशल मीडिया स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आते हो तो ऑटोमेटिकली आपको जितनी ब्रांड्स होती है अप्रोच करती है, फिर आपको अच्छा पे करती है, तो ये भी एक तरह की मेरी जॉब है। तो क्वालिफिकेशन पे बात आएगी तो फिर मैं अगर बताने पे आऊंगी तो फिर ऐसे उस लड़की को समझ आएगा कि वो सिर्फ आईटी की स्टूडेंट है, मेरे पास बहुत बहुत सारी डिग्रीज हैं जिसको मैं यूज करूं तो मेरी इजीली कहीं भी जॉब लग सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था। सो गाइस, काजल ने मुझे वो कर दिया बीच में डिस्टर्ब ना, मैं भूल ही गई कि मैं क्या कहां से शुरू हो रही थी और क्या बता रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, गुस्सा ऐसे नहीं आ रहा था, बस ये हो रहा था कि उस लड़की को ना अच्छे से जवाब दूं। अपनी एजुकेशन के बारे में इतना लिख रही थी और वो इतनी एजुकेटेड होने के बाद उसने जो तेरा तू तड़ाक यूज की ना, मुझे समझ आ गया वो कैसी फैमिली से बिलोंग करती है। वैसे तो किसी की फैमिली पे जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो मुझसे ऐसे बात कर रही है ना तो ऑटोमेटिकली वो अपनी फैमिली में भी ऐसी बात करती होगी, ये मेरा मतलब है। उसके पेरेंट्स से मेरा कोई मतलब नहीं है।
तो मेरी क्वालिफिकेशन बता रही थी मैं आपको। हाँ, तो मैं ना पूरा स्टार्टिंग से बताती हूँ कि आफ्टर स्कूलिंग मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन मैंने जो मेरा एडमिशन हुआ वेंकटेश्वर कॉलेज में हुआ, लेकिन वहां पे रेगुलर जाना था, तो मैंने अपने पापा को बोला मुझे नहीं करना है रेगुलर, मुझे इसको डिस्टेंस से करना है ताकि मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ और भी कर सकूं। तो जब मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, मैंने टीचर ट्रेनिंग के लिए, जैसे आपने सुना ही होगा, एक DIT होती है, JBT होती है, NTT होती है, ECCE होती है, तो ये वाले कोर्सेज थे। तो टीचर ट्रेनिंग का मैंने ऐसे ही जस्ट गवर्नमेंट वाला जो फॉर्म होता है वो फिल किया और मेरा नंबर आया। तो मेरे पास टीचर ट्रेनिंग की डिग्री भी है। होता है ना, दोनों डिग्री 1 ईयर में आपकी अप्रूवेबल नहीं होती, तो आपको थोड़ा सा ऐसे 1 ईयर का गैप लेना होता है। तो मैंने बहुत ही दिमाग से अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरी डिस्टेंस से थी, और साथ साथ मैंने उसके किया DIT, जो मेरा IT सेक्टर का डिप्लोमा था, क्योंकि मुझे IT फील्ड में भी ऐसे नॉलेज लेनी थी। मुझे बहुत ऐसे था गाइस, मेरे पास बहुत कुछ हो ऐसे डिग्रीज में ना। तो उसके बाद मैंने IT का भी किया और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुई, तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद मैंने MPhil के लिए प्रिपरेशन की, क्योंकि मुझे PhD करनी थी, लेकिन बीच में ही मैं सोशल मीडिया में एंटर हो गई और मेरी PhD थोड़ी सी साइड में रह गई। तो लेकिन PhD की कोई भी एज नहीं होती है, क्योंकि मेरा जो ड्रीम था वो था लेक्चरर बनने का, और अगर मेरा हुआ मन सोशल मीडिया से हटने का और कभी कुछ करने का, तो ऑब्वियसली मैं PhD ही करूंगी। तो ये था गाइस, शायद अब उस लड़की को जवाब मिल गया होगा। वो तो मतलब मेरे ना ऐसे दिमाग में सेट हो गई थी, वो सिर्फ मेरे ना ऐसे शुरू हुई कि मिरर के सामने बैठती है, इसको लगता है फेयर दिखेगी, या फिर इसको लगता है कि ये बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन इसको पता नहीं है कैसे दिख रही है। और भगवान, कोई लड़की किसी लड़की के लिए इतना गंदा कैसे बोल सकती है, शर्म करो भाई, शर्म। फिर उसके बाद जिन लोगों ने उसको जवाब दिया उन सभी को थैंक यू सो मच। और अब इस ब्लॉग को मैं खुद भी थक गई गाइस, और मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं मिरर से थोड़ा पीछे हो जाऊं ना, तो मैं बहुत ही ब्लैक दिखती हूँ। मतलब लाइक अगर हम ऐसे पीछे पीछे रहते हैं ना, तो हम ऐसे साफ साफ नहीं दिखते, तो फिर हमें ऐसे आगे आगे विंडो के सामने आना पड़ता है, ये रीजन है। मैंने अभी चेक किया, मैंने 8 मिनट तक बोला है। तो थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया कि आज क्या होने वाला है। मेन काजल को कल फीवर हुआ था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बेड पे है। हमने इसको बहुत सारे मेडिसिन भी दिया, इसको पता नहीं, मुझे तो पता है कि इसको क्यों हुआ है। काजल का दिख रही हो नहीं दिख रही हो, समझ नहीं आ रहा है ट्राईपॉड पे। तो अभी काजल रानी को दिखाती हूँ, रुको। तो काजल को हुआ है फीवर, जिसकी वजह से बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही है, और आज की मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि मुझे इसकी केयर करनी है। और इसे बहुत सारी मेडिसिन हमने दी है, लेकिन अभी तक कुछ आराम आया नहीं है। अभी तो फिलहाल इसको हमने ये दिया है, और इसको जुखाम के लिए कुछ ये दिया गया है, क्योंकि इसको सबसे पहले ना कोल्ड हुआ, उसके बाद इसको बहुत ज्यादा स्नीजिंग हुई, और बस फिर इसको फीवर हो गया। कल से जब से इसको हुआ है ना ये, तो मेरे को भी ऐसे स्नीजिंग हो रही है। तो मैं तो खैर यही सोचती हूँ कि मेरे लिए तो नेचुरल है, आपको पता ही है हर तीसरे दूसरे दिन मेरे को कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अभी काजल को देख के थोड़ा सा अजीब हो गया था, क्योंकि कुछ खा पी नहीं रही थी। तो सबसे पहले इसको हम कुछ खिलाते पिलाते हैं, फिर से इसको मेडिसिन देंगे, क्योंकि इसका पूरा कोर्स करना है, उसके बाद कुछ आगे का काम करेंगे। बनाना शेक देगी, एप्पल शेक, तो फिर खाएगी क्या? खाली पेट थोड़ी दवाई दे सकती हो, तो चाय बिस्किट दे देना, पीना नहीं है तो खाने में बताना कि ये खाऊंगी। आलू का पराठा कल रात को ही मैंने इसे खिलाया, अगर नहीं यकीन होता है ना, ये देखो, खाली प्लेट में किसी को भी नहीं होता। खाली प्लेट दिखाई नहीं रही, आलू का पराठा दिखा रही हूँ, ये देखो, ये बचा हुआ है आलू का पराठा, ये देखो। बनाया था टेस्टी, तूने दे दे, टेस्टी था ना? अब वो सारे आलू ना खत्म हो गए, और पहली बार काजल ने मेरे हाथ से 3 पराठे खाए, क्योंकि इसने क्या, आलू तो खत्म हो गए, और साथ साथ ग्रोसरी खत्म हो गई है। काजल हर तीसरे दूसरे दिन ग्रोसरी खत्म हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या है। नहीं, पानी तो है उधर रखा हुआ है, आज फिर से ग्रोसरी ऑर्डर करनी पड़ेगी। मैं सोच रही थी कि काजल के साथ जाके शॉपिंग करके आऊं, लेकिन इसकी तबीयत तो खराब ही है। अभी इसको कुछ खाने के लिए हल्का फुल्का देती हूँ, और इसको मेडिसिन देती हूँ, उसके बाद फिर ये तो रेस्ट ही करेगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया है।
और यहाँ पे कोई ऐसे मेडिसिन ही नहीं देते गाइस, केमिस्ट के पास जाके आप खड़े हो जाओ अगर आपको वायरल है तो वो ऐसे नहीं देते, पहले डॉक्टर को दिखाओ उसके बाद मेडिसिन देंगे। इंडिया में तो फिर भी ऐसे चल जाता है काम, कोल्ड कफ फीवर में वो मेडिसिन मिल जाती है आप लोगों को। तो चलो मैं इसके लिए लेकर आती हूँ कुछ खाने की, पास्ता खाएगी, ये है अपने पास है ना। सॉरी काजल, मैं कह रही हूँ ना मुझे भी हो रहा है कल से कोल्ड, वो पे मस्ती। ओह शिट, अगर हम दोनों ही बीमार पड़ गए हमारी केयर कौन करेगा, पर मैं हिम्मत नहीं हारती, मुझे कुछ नहीं है, मेरे लिए नॉर्मल है, एक दवाई मुझे भी खानी पड़ेगी। पर सो गाइज, ये मैंने पानी में नमक डाला है जिससे कि मैं इसकी नजर उतारूंगी और उसके यार ऐसे होता है काजल, नजर भी लगती है यार, नजर भी लगती है। हाँ उतार रही हूँ, हाँ ब्लॉग के लिए, वैसे नहीं उतारी। फिर तूने यही बदतमीजी किया ना जो कल की थी, फिर वही चीज कर रही है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, तू फिर वही चीज कर रही है। ये व्लॉग के लिए है, मैं तेरे दिन में 10 बार उतार देती हूँ और तू मेरी, ये हम लेते नहीं है व्लॉग में, आज पहली बार ले रही हूँ। जब पहले मैं तेरी उतारती हूँ तब, क्योंकि आज मैं कहीं जा नहीं सकती, तो जो मैं करूंगी वो मैं इन लोगों को दिखाऊंगी। एक ग्लास पानी लो, नमक डालो, 7 बार एंटी क्लॉक करके घुमाओ और फिर इसके बाद उसको नाले में फेंक दो। अब यहाँ नाली तो है नहीं, तो किचन में फेंक के आऊंगी, फ्लश में फेंक दो। अब कैसा लग रहा है काजल? सही हो गई हूँ, सही हो गई है ना नजर उतरने के बाद। अब मेरी बारी है लेटने की, मेरी उतार, क्योंकि मुझे सेम कोल्ड कफ और बॉडी पेन हो रहा है। तुझे भी पैरों में दर्द शुरू हुआ था क्या काजल? मुझे यहाँ दर्द हो रहा है गाइस, ये क्या कर दिया काजल ने, वायरल फैला दिया पूरे अपार्टमेंट में, सब छींकते घूम रहा है, मैंने 2-3 को नोटिस कर लिया है। हो सकता है काजल ये वायरल हो, सॉरी। मैं तो पूरे दिन इसकी केयर करके व्लॉग निकालने वाली थी, ये सोच सोच के कि भाई मुझे काजल की केयर करनी है, काजल की केयर करनी है, और आधा दिन तो हमारा ऐसे ही निकल गया। बट अब मेरी हालत जवाब दे रही है गाइस, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे भी सेम ऐसे हेडेक, लेग्स पेन और स्नीजिंग आ रही है बार बार। तो मुझे लग रहा है मुझे भी मेडिसिन पहले ही ले लेनी चाहिए जो इसके लिए लेकर आई हूँ। ओ सो गाइस, एक मेडिसिन की तो दुकान बना दी है मैंने और काजल ने। ये देखो काजल, मुझे वैसे अपनी इंडियन मेडिसिन पे पूरा पूरा भरोसा है। अब मैं ऐसे बताना नहीं चाहती इन लोगों को, ये सिट्राजिन, जब आपको बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो ना तब आप इसे खा लो। नहीं हो रहा, ये व्लॉग यही एंड करना पड़ेगा गाइस, आई एम सॉरी, मेरी हालत जवाब दे रही है। अब काजल को मेरी केयर करनी पड़ेगी तो ही कुछ हो सकता है। काजल चाय ला बना के,
जैसे मैंने तेरी केयर की थी वैसे कर, मुझे अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है। ओह शिट, आई एम सॉरी गाइस, ये व्लॉग यही एंड कर रही हूँ। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगी कल एक और नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और हम दोनों को गेट वेल सून बोल देना। ये क्या हुआ है गाइस, इसकी केयर करते करते मुझे हो गया, समझ नहीं आ रही है। बाय गाइस।